हेलो बच्चों, ऐसे हो? ठीक हो सब लोग? कुछ दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार बच्चों, क्या है, न्यू चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 10th के सिलेबस में है। देखो मैंने वीडियो पहले भी इसका वीडियो में पहले भी डाल रखा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन उसमें साउंड इको हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, इसलिए बच्चे का शिकायत आ रहा था कि सर इस वीडियो में साउंड इको हो रहा है, आवाज साफ से नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बात समझ में आया बच्चों? यस सर। अब जहां तक सिलेबस की बात है, तो सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ, कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी टॉपिक नहीं हटा है। तो सिंपल सा बात रखना, दिमाग में ये मत रखना कि सर ये टॉपिक इसमें कुछ रिडक्शन हुआ क्या। नहीं, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ। दिमाग में ये बातें रखो। तो क्या क्या मुझे पढ़ना है, कैसे कैसे मार्क्स आता है, उसके बारे में थोड़ी आज हम बात करेंगे। चल देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसमें क्या क्या मेन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, उसके बारे में थोड़ा सा डील करेंगे हम। इसमें कोई खास बात नहीं है। देखो जहां तक एग्जाम की बात है, एग्जाम में कम से कम ये 6 से 8 मार्क्स के बीच आता है। कितने मार्क्स का आता है? 6 से 8 मार्क्स के बीच में आ सकता है। एग्जाम में 6 मार्क्स या 6 से 8 के बीच में मार्क्स आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्यारे बच्चों, 6 से 8 मार्क्स जब आता है तो क्या क्या चीजें आता है जो इसमें इंपोर्टेंट है, तो सुनना। सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है इसका न्यूमेरिकल। क्या आता है प्यारे बच्चों? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कम से कम, न्यूमेरिकल जो आता है ना, वो आता है 3 मार्क्स का। कम से कम 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 मार्क्स में किसका आ सकता है? तो सर्किट से रिलेटेड, जैसे करेंट निकालना हो, वोल्टेज निकालना हो, ठीक है, और रेसिस्टेंस के बारे में, रो एल बाय ए, इससे आ सकता है, या निकालना जा सकता है करंट वोल्टेज, ऐसे आ सकता है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सर्किट में सॉल्व करना पड़ेगा करंट और वोल्टेज, और आर इक्वल टू रो एल बाय ए, दोनों में से कोई साबित 3 मार्क्स का आएगा, तो हो सकता है कि 2 मार्क्स का ये आ जाए, 1 मार्क्स का ये आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो न्यूमेरिकल जो इसमें है ना, वो 3 मार्क्स का देगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और सेकेंड बात में अगर करूं तो न्यूमेरिकल के बाद आता है, स्टेटमेंट लिखने को आता है, वो होता है ओम्स लॉ। क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने को आता है कम से कम 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का ओम्स लॉ का क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नहीं है, क्या इसका ड्रॉबैक है, वो सब लिखना आता है, और इसका स्टेटमेंट क्या है वो लिखना आ सकता है। तो ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है और इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात क्या है? तो सेकंड बात, सॉरी थर्ड बात क्या है? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। क्या बोला? या तो ऐसा लिखा जाता है, चलो कोई बात नहीं, लिख लो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात में, अगर जहां तक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसकी मैं अगर बात करूं, तो कम से कम ये तुम देखो, कम से कम ये आएगा 3 से 4 मार्क्स तक का। कितना आएगा? 3 से 4 मार्क्स तक का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें स्टेटमेंट लिखने को आता है, एक तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या आता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इंपोर्टेंट है। क्या है प्यारे बच्चे? ये इंपोर्टेंट है। इसी में आता है इलेक्ट्रिक पावर। इसमें क्या आता है? इलेक्ट्रिक पावर। इसमें क्या आता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो सकता है 2 मार्क्स का आ जाए। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स का, तो 1 मार्क्स का छोटा सा, अगर एक मार्क्स बोले 1 मार्क्स, लेकिन लगभग ये कितने का आता है? 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं इलेक्ट्रिक पावर का, ये भी 2 मार्क्स या तो 1 मार्क्स का आ सकता है, ऐसा, लेकिन दोनों आ जाएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। इसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ही है इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इसी में आ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो सेफ्टी फ्यूज होता है, क्या होता है? सेफ्टी फ्यूज। और जहां तक डोमेस्टिक सर्किट की बात है, डोमेस्टिक सर्किट सिलेबस से हट चुका है। दिमाग में ये बात अभी भी मत रखना कि सर क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज तो है, चलो ठीक है, क्या डोमेस्टिक सर्किट है क्या? नहीं। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में डोमेस्टिक सर्किट सिलेबस से हट चुका है, बस वही एक चीज हटा है और कोई बात नहीं। तो डिलीटेड पोर्शन में लिखूं तो डिलीटेड पोर्शन क्या है? तो डिलीटेड जो जो टॉपिक है वो क्या है? डिलीटेड जो मिट चुका है वो क्या मिट चुका है? तो डोमेस्टिक सर्किट।
ये सिलेबस से हट चुका है, तो ये बातें ध्यान में रख लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु ठीक है क्या? यस सर। तो देखो, तो ऐसे ऐसे मार्किंग अगर तुम्हें पता हो तो तुम मार्क्स ला सकते हो 100 out of 100। इसमें कोई शंका की बात है क्या? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम 100 out of 100 ला सकते हो क्या? यस सर, मैं ला सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले कुछ कुछ बातें पढ़ेंगे हम जो इम्पोर्टेंट है। जो क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है क्या? यस सर। क्या ये तुम्हें समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, समझ में आ गया तुम्हें। चलो यार अब करेंगे है, चलो पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो स्टार्टिंग में जैसे करेंट क्या होता है, तो देखो हम लोग का थीम क्या है, तो हम लोग का थीम है सर कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है, कोई बोले डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले दो चीज, तीन चार, मतलब तीन या चार इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे याद करना पड़ेगा। तो क्या क्या इंपोर्टेंट टर्म है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। चलो तो फर्स्ट जो चीजें हैं जो मुझे डील करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी को, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है प्यारे बच्चों, बोलो तो? इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई बोले इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सुनना, इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज दैट एंटिटी, एंटिटी मतलब वो सब्सटेंस, दैट एंटिटी विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या शो करता है? विच शोज द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बताता हो, विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन के प्रॉपर्टीज को शो करता हो उसे क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस को, उस एंटिटी को क्या बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, बात समय जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन शो कर रहा हो, ठीक, वो एंटिटी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। एक और बात सुनो, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसे क्यू से डिनोटेड करूंगा। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आया है क्या? यस सर, कोई दिक्कत बात नहीं है। और बातें सीखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है मतलब इसको मैं आराम से जोड़ सकता हूं, इसको आराम से, अगर वेक्टर होता ना तो आराम से जोड़ नहीं पाता, दिक्कत आ जाता तुम्हें, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए इसे आराम से जोड़ा जा सकता है, तो एडिटिव ऑफ चार्ज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एडिटिव मतलब जोड़ा जा सके, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। SI यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का लिखूंगा मैं, सुनना, क्या लिखूंगा मैं, इस कूलाम, क्या लिखूंगा, कूलाम, COULAMB, कूलाम, जिसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं, कूलाम, कूलाम लिखो, कूलाम, ठीक है ना, कूलाम बोलता हूं। और कभी कभी इसको यूनिट पढ़ता हूं मैं एम्पियर इंटू सेकेंड, क्या बोलता हूं, एम्पियर, करेंट इंटू टाइम, क्या होता है, चार्ज। तो एम्पेयर इंटू सेकेंड या तो कूलम, बात क्या है, सेम, बोलो हाँ या ना, यस सर, कोई दिक्कत बात नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज समय में आया क्या? यस सर, सुनना, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, अच्छा शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है टॉपिक्स में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो प्यारे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वही होता है सर जो मंजूरे खुदा होता है। अरे मंजूरे खुदा क्यों होगा, ठीक है, होने दो, होता है तो इसका स्टेटमेंट बताता हूँ, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सुनना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका स्टेटमेंट सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज अमेरिकन आता है, सेफ्टी में है अमेरिकन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल के रूप में ही स्टोर होता है। मतलब क्या हुआ कि That is Q equal to plus minus Ne, हो सकता है प्लस का चार्ज हो सकता है माइनस का चार्ज हो, n क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल मतलब n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100,000 लाख करोड़, ठीक है क्या, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा e क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम,
बातें समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर। क्या ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तुम्हें याद रहेगा क्या? यस सर, मुझे याद रहेगा सर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या? यस सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन को क्यों चुना गया इंटीग्रल मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में? तो इसलिए चुना गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को चुना गया। तुम कहो सर यहाँ पे और कुछ हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन पे कोई होता है कि चार्ज नहीं होता है क्या? प्रोटॉन भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ पे चुना गया, रीजन क्या? इलेक्ट्रॉन इज सेलेक्टेड एज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, इनटू एन हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इट गिव्स चार्ज। सही बात है क्या? यस सर। तो रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ इंटीग्रल, सॉरी इलेक्ट्रॉन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन लिया गया। सिंपल सब बातें हैं, बोलो समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। चलो मुझे बताओ, मैंने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, मैंने उसका क्वांटाइजेशन में पढ़ाया, ठीक है, विच और इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ाया जिसमें अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, प्यारे में छोटी छोटी बातें मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब प्यारे बच्चों क्या है इसमें और क्या क्या पढ़े, सुनना। इलेक्ट्रिक चार्ज में सुनना पहले, जैसे मैं बातें बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो बस सीखो। क्वांटाइजेशन तो मुझे पता चल गया, ठीक है ना। अगर प्लस प्लस का चार्ज हो, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो दोनों में क्या होगा? तो रिपल्शन होगा। दोनों में क्या होगा प्यारे बच्चों? रिपल्शन। प्लस प्लस चार्ज में रिपल्शन, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में अट्रैक्शन। ऑपोजिट रहे तो अट्रैक्शन, सेम रहे तो रिपल्शन। माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज क्या होगा? रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स। दूर भाग रहा है रिपल्शन, ये अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है क्या? यस सर। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी हो, न्यूट्रल चार्ज बॉडी हो, और अगर प्लस क्यू चार्ज हो तो क्या होगा? तो ये अट्रैक्शन ही होगा। और अगर न्यूट्रल चार्ज बॉडी हो और माइनस चार्ज भी हो तो ये भी क्या होगा? अट्रैक्शन ही होगा। रीजन क्या है सुनो, न्यूट्रल चार्ज बोला, न्यूट्रल चार्ज मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। अगर क्या करो इसको, क्या करो, जितना प्लस उतना माइनस है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलो इसको नियर बाय क्या करो, पॉजिटिव चार्ज को नियर बाय में रखो। अगर पॉजिटिव चार्ज को इसके नियर बाय में रखोगे ना, मान लो पॉजिटिव चार्ज लिया है इसके नियर बाय, ये पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, मतलब केवल केवल क्या है, प्लस 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 है, ठीक है। यस सर, देखना पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस इस साइड आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस दोनों है, और प्लस प्लस में रिपल्शन होकर प्लस इस साइड आ जाएगा। तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो देखो प्लस और माइनस तो होता है, लेकिन ये प्लस की वजह से सारा माइनस इस तरफ आ जाएगा। अब क्या होने लगेगा? अब होने लगेगा अट्रैक्शन। तो स्वयं आया, यस सर। तो न्यूट्रल और पॉजिटिव में ऐसे ही अट्रैक्शन होता है, वैसे ही नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ गया तो सारा प्लस इस साइड आ जाएगा और सारा माइनस इस साइड आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज का ये क्या देगा? अट्रैक्शन देगा। समझ में आया नहीं आया? तो न्यूट्रल चार्ज हमेशा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर। अब और देखो, देखो मुझे पता है फॉर्मूला क्यू इक्वल टू एनी, क्या पता है? क्यू इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई बोले फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ इन वन कूलम ऑफ चार्ज, इन वन कूलम ऑफ चार्ज, बोलता है एक कूलम चार्ज में मुझे मुझे बताओ, एक कूलम चार्ज में मुझे बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो मुझे पता है प्यारे बच्चों Q इक्वल टू एन ई, क्या पता है प्यारे बच्चों Q इक्वल, क्या ये बातें समझ में आया क्या? ये क्या दिखा रहा है? रिपल्शन। ये क्या दिखा रहा है? रिपल्शन। ये क्या दिखा रहा है? अट्रैक्शन। क्या दिखा रहा है? ये अट्रैक्शन। चलो ठीक है, यहां पर देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम, मुझे पता है क्यू कितना है, क्यू है वन कूलम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। ई क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना वैल्यू होता है? 1.6 × −90। निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन निकालना है, तो एन निकालो, कौन सी बड़ी बात है? एन क्या आ जाएगा? तो 1/1.6 × −19, एन इक्वल टू 10^19,
10 ले लो, यहाँ पे 18 लिख लो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये पॉइंट हट गया तो 100 आ गया, कितना आ गया, तो n का वैल्यू आ गया 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया क्या कि नंबर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या? यस सर निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो तुमसे हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर हो जाएगा सर। चलो तो प्यारे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने सीख लिया सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अब प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है सुनना, कूलम्स साइंटिस्ट का नाम है, कूलम है कि नहीं, कूलम साइंटिस्ट का नाम इलेक्ट्रिक आजकल में ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है सुनना प्यारे बच्चों, कूलम्स लॉ देखो ये सीखना है, क्या करना है सीखना है, सिंपल सा बात है, क्या करना है मुझे सीखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं थोड़ा बहुत सिखाता हूँ, ज्यादा मैं सिखाता नहीं। चलो दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच सेपरेशन अगर R हो, मान लो प्लस प्लस हो तो क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स, F लगाया रिपल्सन, तो ये फोर्स इक्वल फोर्स लगाता है, ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ये भी फोर्स सेम लगाएगा लेकिन अपोजिट पे लगाएगा, तो फोर्स का जो वैल्यू होगा ना प्यारे बच्चों K Q1 Q2 / R² ये फॉर्मूला होता है, यही कूलम्स लॉ है, सिंपल सा बात। K क्या है 1/4πε₀, Q1 Q2 / R², ये फोर्स बिटवीन द चार्ज है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो क्या रिपल्सिव हो, हमेशा चार्ज से क्या रखेंगे पॉजिटिव और निकाल देंगे, ये सिंपल सा बात है, ये अट्रैक्शन हो सकता है, ये रिपल्सन हो सकता है, ये फॉर्मूला हो सकता है, समझ में आया नहीं आया। यस सर, मान लो प्लस Q1 है और ये -Q2 है तो क्या अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स अपोजिट है कि नहीं, देख लो यस सर, जितना ये फोर्स पे लगाएगा उतना ये फोर्स पे लगाएगा, वही फोर्स का फॉर्मूला है, अगर सेपरेशन आर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या, यस सर कोई दिक्कत वाली, तो ये फॉर्मूला होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी। अच्छा के का वैल्यू यहाँ पे जो है ना, के का वैल्यू तुम चाहो लिख सकते हो 9 × 10⁹। के का यूनिट क्या होगा, तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर, ठीक है क्या। अब एफ से नोट का वैल्यू क्या होता है, तो 8.85 × 10⁻¹। एफ वाले नोट ये के, तो 4π क्या कांस्टेंट, इससे कोई यूनिट नहीं होता, तो एफ वाले नोट के क्या उल्टा यूनिट होगा, उल्टा कर दो तो न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम -2 कूलम 2 पर जाएगा, ठीक है क्या, कि एफ एन नॉट का वैल्यू है। बोलो समझ में आया नहीं आया, ये सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो ये कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्स लॉ स्टेटेड दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, क्या बोलता है सुनना, ही स्टेटेड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो कूलम्बिक फोर्स जो बोल दो, कूलम्बिक फोर्स या तो ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसे पूरा जाएगा, इस फोर्स को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, ये बिटवीन है BETWEN बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their charges, दोनों का गुणांक मतलब इसका मतलब F directly to Q1 into Q2 product of their charges and inversely proportional to a square of the distance between them. A square of the distance between them. मतलब क्या हो गया, मतलब 90% 1/r², समझ में आया नहीं आया, बोलो हाँ या ना। तो यही मिला के ये फॉर्मूला लिखा गया, तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर, क्या ये स्टेटमेंट तुम्हें समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं, तो ये कूलम्स लॉ है प्यारे बच्चों जो समझ में आना चाहिए, ठीक है क्या, क्वांटाइजेशन भी हो गया, ये भी हो गया, कूलम्स लॉ भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों।
चलो, तो मुझे पता है दो चार्ज के बीच फोर्स देख लिया और कुछ देख लिया, जो अच्छा अच्छा चीजें मैंने किया जो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखो कूलम फ्लो हो गया, सिंपल सा बात है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुझे आ गया है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई समस्या ही नहीं है। चलो अब प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब आएंगे यहाँ पे, क्या आएंगे आप, इलेक्ट्रिक करंट। तो मेन उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट। चलो तो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो मैंने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सुनना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सुनना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। उसे क्या बोलता हूं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करेंट, सुनना है। अब इधर देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में हो तो कोई इलेक्ट्रिक करेंट नहीं आएगा। जैसे वायर, वायर में क्या होता है, तो वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज वायर में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, किसमें, वायर में, वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज सेम बात है, अंतर क्या है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो अगर मैं किसी समय के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, कौन, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर, स्केलर क्वांटिटी होता है, याद कर लेना। और ये बातें, अच्छा क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है, तुम बोलो सर, इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वेक्टर होना चाहिए, स्केलर क्यों होगा, अस्वीकार, ये इसलिए स्केलर है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल क्या है, तो हायर पॉजिटिव जो होता है ना प्लेट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका डायरेक्शन जो होता है ना फिक्स होता है, किसका, करंट का, और कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए क्या है स्केलर क्वांटिटी, क्यों फिक्स होता है सुनना, जैसे मान लो रेसिस्टर, मान लो बैटरी हो, तो बैटरी मान लो रेसिस्टर हो, ठीक, कंडक्टर लगा हुआ हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचो कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल, हायर मतलब पॉजिटिव प्लेट, ये लोअर पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है हायर से लोअर की ओर, ब्रश में आया क्या, यस सर, इसीलिए क्या होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, ये बात दिमाग में रख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बातें समझ में आई क्या? यस सर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल नहीं होता डायरेक्शन इसका, और जो वेक्टर, जो फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन फिक्स हो, वो कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता, वो स्केलर होगा, ठीक है क्या, यस सर, तो रियल स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एस आई यूनिट जो होगा इसका, एस यूनिट ऑफ करेंट, वो एम्पेयर होगा, क्या होगा, एम्पेयर, एम्पेयर ही होगा, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम, एम्पेयर, कभी कभी इसे बोला जाएगा कूलम पर सेकेंड, क्या बोला जाएगा, कूलम पर सेकेंड, मतलब करंट जो होता है वो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करूंगा, किसे करूंगा, आई से, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से, तो आई इक्वल टू क्यू बाय टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। कोई बोले डिफाइन वन एम्पेयर ऑफ करंट, तो कैसे, क्या करूंगा सुनना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, क्या ये बातें याद रहेगा क्या, यस सर मुझे याद रहेगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, या तो ऐसे बोल सकते हो टोटल चार्ज, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, डेल क्यू अपॉन डेल टी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात,
नहीं है। चलो तो करेंट का डेफिनेशन लिखता हूं, डिफाइन वन एम्पेयर ऑफ करेंट। चलो आता हूं, देखो डिफाइन वन एम्पेयर ऑफ करेंट करता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो डिफाइन वन एम्पेयर ऑफ करेंट, बताओ वन एम्पेयर ऑफ करेंट क्या होता है, डिफाइन करो। ये बोर्ड ये एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है करेंट बराबर क्या होता है, चार्ज पर टाइम। ये वन एम्पेयर कब बनेगा, जब वन कूलम का चार्ज हो वन सेकंड में करेंट ट्रेवल। ठीक है, तो क्या बोल रही, सुनो, इफ वन कूलम ऑफ चार्ज, इफ वन कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर नहीं फ्लो, इफ वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वन एम्पेयर ऑफ करेंट। लिखेंगे वन एम्पेयर ऑफ करेंट इज डिफाइंड एज वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड अक्रॉस द कंडक्टर, उसे क्या बोलेंगे, वन एम्पेयर ऑफ करेंट। समझ आया प्यारे बच्चों क्या है? यस सर। क्या ऐसा चीज तुम्हें आ जाएगा क्या, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं? नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलो तो आज का क्लास यहीं तक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करूंगा बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो थैंक यू।